हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? वेरी गुड, आई एम आल्सो फाइन। तो चलिए अपने वीडियो की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे रीडिंग से। सो ये रहा एक पैराग्राफ जिसे हम रीड करेंगे। वन डे मुरली एट अ मैंगो, ही थ्रो द सीड बिहाइंड हिज हाउस। Many months later, he saw a plant. He watered the plant every day. The plant grew into a big tree. Every summer, many, many mangoes grown on it. Now, Murli's children eat the mango. अब चलिए हम हिंदी में देखते हैं एंड इसकी मीनिंग भी जानते। One day, यानी कि एक दिन, मुरली एक मुरली ने खाया एक मैंगो, ही थ्रो द उसने फेंका मैंगो। सीड बिहाइंड द हाउस, अपने हाउस के पीछे सीड। मैनी मंथ, कई महीने बाद। लेटर, ही सॉ अ प्लांट, बाद में उसने एक प्लांट देखा। ही वॉटर, उसने पानी डाला। द प्लांट एवरी डे, एवरी डे वो प्लांट। द प्लांट ग्रू, प्लांट बड़ा हो गया। इन टू अ बिग ट्री, एक बड़े प्लांट में। एवरी समर मैनी मैनी, हर बार समर सीजन में बहुत सारे मैंगोज ग्रोन ऑन इट, अब इस पे मैंगोज ग्रो करते हैं। मुरली चिल्ड्रन, मुरली के बच्चे। Eat the mangoes, मैंगो खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको इस पैराग्राफ में कुछ समझ में आया? क्या आपको स्टोरी पता चली या फिर आप इसकी मीनिंग समझ पाए? नहीं ना, आपको आपको पता है ऐसा क्यों? नहीं, आई विल टेल यू। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज हमने पंक्चुएशन मार्क का यूज सही से नहीं किया था। पंक्चुएशन मार्क का यूज रॉन्ग होने की वजह से ही इस स्टोरी का कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट और कुछ सेंटेंस विदाउट एनी सेंस लग रहा था। अगर हमें पंक्चुएशन मार्क का यूज सही से किया होता तो हम इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाते। अच्छा, मैं इतनी देर से पंक्चुएशन मार्क की बात कर रही हूँ, पर क्या आपको पता है कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? लेट्स नो पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क आर सिंबल्स दैट हेल्प्स टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस मोर क्लियर। पंक्चुएशन मार्क के कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं सेंटेंस की मीनिंग को और क्लियर बनाने में। एंड यू नो व्हाट, इससे हमारा सेंटेंस और ब्यूटीफुल भी दिखने लग जाता है। अब हम जानते हैं कुछ पंक्चुएशन मार्क के बारे में। फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने में या फिर किसी भी नेम के पहले वर्ड में भी हम कैपिटल ही राइट करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज फुल स्टॉप। किड्स, फुल स्टॉप का यूज हम कहाँ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में, है ना? यस। फिर आता है आपका क्वेश्चन मार्क। अब ये मुझे आप बताएंगे कि हम क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ करते हैं। बिल्कुल सही, यू आर जीनियस। We use question mark at the end of the questions. Now, next is comma. We use comma between two or more things of the same kind. जैसे बच्चों, अगर हमने एक ही sentence में तीन names continuously use किया है तो हम use करेंगे comma. First और second name के बीच में, जैसे कि I like apple, mango and grapes. तो यहाँ पे देखिए एप्पल और मैंगो के बीच में हमने कॉमा का यूज किया है। Now let's solve
and exercise related to it. The question is, use capital letter, full stop and question mark in the sentence where necessary. अब आपको full stop, question mark और capital letter का use करना होगा in the sentence. The chair, number one, the chair is red in color. अब तो सबसे पहले हम T को capital करेंगे because it is the first letter of the sentence and add full stop at the last like this. The chair is red in color. Ria has a new dress. Number two. Ria ka aaj capital karenge and add full stop at the end. Number three. Who are you? W of who will be capital and hum question mark add karenge at the last because it is a question. Lalu loved red thing. Write L of Lalu with capital and add full stop at the last. Last sentence. What did Mithu like? W of what will be with capital and it is a question. तो हम last में question mark add करेंगे. तो देखा kids, आपने कैसे हमने इस sentences को हमने इतना beautiful बना दिया. तो now I will give you some sentences to make beautiful like this by punctuating them. Number one, Mittu saw a yellow mango. Number two, the mango was very tasty. Number three, where do you study? Number four, where are you going? Number five, Murli ate green guava. So, till then, do your homework, enjoy your worksheet. Bye bye. Thank you.